तो मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं यूट्यूब के न्यू ज्ञान चैनल को। तो दोस्तों, आज हम आपको यह सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने चैनल को सर्च बॉक्स में ला सकते हैं एकदम ऊपर। दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि अगर आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप ये वीडियो देखेंगे और तुरंत ही आपका चैनल सर्च बॉक्स में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सर्च बॉक्स में आने में लगभग 1 से 2 दिन लगते हैं, और जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो एकदम जेन्युइन है। आप उसे करेंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ, यह गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका चैनल सर्च बॉक्स में ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए चलिए करते हैं शुरू और चलते हैं गूगल पर। आगे हैं गूगल पर और आपको मोबाइल से ही करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे यहाँ क्रोम पे आते हैं और आप सर्च करते हैं सर्च बॉक्स में यूट्यूब। हम यहाँ पर यूट्यूब सर्च कर लेते हैं। गूगल पे आके यूट्यूब सर्च कर लिया है, उसके बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्विच टू डेस्कटॉप साइट। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक कंप्यूटर साइट पर हो गया है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपको ये यूट्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube का एक डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है, जो कि हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये YouTube का ये पूरा डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। और यहाँ पर देखिए, मैंने ईमेल को लॉगिन कर रखा है इसलिए यहाँ पर इमेजेस शो हो रही हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इसी इमेज वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपने योर चैनल पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आपकी ये सारी वीडियो जो अपलोड किए हैं वो दिखने लगेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको चैनल वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है क्रिएटर स्टूडियो, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमने इसकी वेबसाइट पर आ गए हैं। और उसके बाद आपको अब क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं एक सेटिंग का आइकन है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप देख लीजिए, ये रहा यहां पर, तो सिंपली आपको इसी सेटिंग वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल के आएगा। स्क्रीन छोटी है तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले ही तो ये जर्नल पर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चैनल लिखा हुआ है उसके नीचे सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर देखिए, हमने बहुत सारे कीवर्ड्स लगा रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने बहुत सारे ये कीवर्ड्स लगा रखे हैं। तो इसी कीवर्ड्स का खेल है जो आप अपने चैनल को सर्च बॉक्स में ला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे जैसा चैनल का नाम है न्यू ज्ञान विद शुभम, तो मैंने देखिए हैशटैग न्यू ज्ञान लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे न्यू ज्ञान विद शुभम लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए न्यू ज्ञान विद शुभम बिना स्पेस के हमने लिख रखा है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने न्यू शुभम ज्ञान भी लिख रखा है, मतलब इससे मिलता जुलता जो भी हो हमने लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है कि अगर आप ज्ञान विद शुभम भी सर्च करेंगे तो भी मेरा चैनल सर्च बॉक्स में आ जाएगा। चैनल नहीं आया तो उसकी वीडियोज़ भी आ जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि आपको हैशटैग कैसे लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए क्या बोलते हैं, एक कीबोर्ड ओपन हो जाता है। तो ये स्क्रीन थोड़ी छोटी होने के कारण आपको दिखाई नहीं पड़ क्योंकि मैं मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर क्रिएटर मोबाइल में ही लगभग चलाते हैं, इसलिए मैं मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ। आप मोबाइल को जब 90.16
रेशियो पे करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वैसा नहीं कर रखा है क्योंकि वीडियो वहाँ से थोड़ा पतला हो जाता है और आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हैच सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आप फिर चैनल से मिलता जुलता, जैसे मेरा न्यू ज्ञान विद शुभम है तो मैं यहाँ पर सर्च कर यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे शुभम की स्पेलिंग SHUBHM होती है, तो मैं यहाँ पे SH नहीं लगाऊंगा, SUBHAM कर देता हूँ। उसके बाद ज्ञान कर देता हूँ तो, एंड न्यू भी लिख देता हूँ। अगर अब कोई यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा यहाँ पर देखिए ये लग के आ गया। तो अगर आप यहाँ पे शुभम ज्ञान न्यू अगर सर्च कर लेते हैं तो वो भी अगर हमारे चैनल नहीं आता तो हमारे चैनल की वीडियोस आप तक पहुँच जाती हैं। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने जो जो भी हैशटैग लगा रखा है तो इस पर जो भी आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो हैशटैग आप लगा लें इतना सारा, तो आपको सिंपली यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपने चैनल के पास वापस चलना है तो आप वापस आके और यहाँ पर जब सर्च कर लेंगे, चलिए हम आपको एक बार सर्च भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है न्यू ज्ञान और स्पेस विथ स्पेस शुभम। तो सिंपली जब मैं इसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे चैनल का यहाँ पे देखिए लिंक, मेरा चैनल वापस ऊपर एकदम आ गया और उसकी सारी वीडियोस यहाँ पर आ गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियोस पहले भी दिखा रखा था, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये लिख के आ गया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये तुरंत 24 घंटे के अंदर नहीं होता, कम से कम 48 घंटे लगते हैं इसे सर्च में आने में, जब आप हैशटैग लगा देंगे दोस्तों। इसी तरीके से आप कर सकते हैं।